अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग चैप्टर 17 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम बच्चों हमने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था, सेमीकंडक्टर के टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम सेमीकंडक्टर के टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक में हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मैंने आपको बताया था कैसे हम लोग डोपिंग की मदद से किसी भी क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ा सकते हैं और किसी भी क्रिस्टल में कैसे होल हम बना सकते हैं। तो सारा लेक्चर आप इसका जरूर देखिएगा कि मेजॉरिटी चार्ज क्या गया किसमें थे और माइनॉरिटी चार्ज क्या गया किसमें थे। जब हमने एन टाइप पढ़ी थी सेमीकंडक्टर की, उसमें हमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे थे, तो एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैलोरीज के हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के हैं, और माइनॉरिटी मतलब कम किसके थे, होल के थे। लेकिन जब हम पी टाइप में गए थे, पी टाइप में हमारे पास जो बन रहे थे वो कौन से थे, होल्स थे। तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं, होल हैं, और माइनॉरिटी कौन से होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात आप अपने पास याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसमें कौन से हैं और माइनॉरिटी कौन से हैं। अच्छा बच्चों, हम पढ़ेंगे कहां से एक क्रिस्टल में होल बनते हैं और कैसे होल की वजह से कंडक्शन होती है। लेट्स सपोज हमारे पास एक सेमीकंडक्टर जर्मेनियम की एक क्रिस्टल है। जर्मेनियम का बेटा ये एटम मौजूद है हमारे पास और हर एटम ने कोवलेंट बॉन्ड की मदद से अपने नेबरिंग एटम के साथ अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल किए हुए होते हैं। तो ये गॉड है, जर्मेनियम है, इसके भी 2, 4, 6, 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है और सबके ही ऐसे 8-8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है। अगर किसी भी तरीके से जर्मेनियम की इस क्रिस्टल को एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, कुछ एटम के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड है उसके पास एनर्जी बाकी एटम से बढ़ जाएगी। जब वहां पर एनर्जी बढ़ेगी तो वहां पर बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटेगा, ये कोवलेंट बॉन्ड है बेटा, सपोज ये कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास टूटा। जब ये कोवलेंट बॉन्ड टूटा, इस कोवलेंट बॉन्ड के टूटने से हमारे पास क्या मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में, सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में कहीं भी मूव कर गया, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हुए, वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर गया। जब ये इलेक्ट्रॉन कहीं मूव कर गया, यहां क्या बन गया, यहां इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी बन गई। इसे हम क्या नाम देते हैं, होल का नाम देते हैं। अब यहां पर होल बन गया, मतलब होल क्या है, होल यहां पर पॉजिटिव चार्ज के तौर पर एक्ट करेगा। अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो नेबरिंग कोई सा भी इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन फौरन यहां पहुंचा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, यहां की वैकेंसी मुकम्मल हुई, तो यहां क्या क्रिएट हो गया, एक और होल बन गया। ये जहां पहुंचा वहां इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हुआ आ गया, लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां एक और क्या बन गया, होल बन गया। अब इस होल ये वैकेंसी बन गई, पॉजिटिव चार्ज के तौर पर एक्ट करेगी। तो यहां से इस पूरी क्रिस्टल से कोई सा भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ सकता है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचा, तो इसने ये वैकेंसी को ऑक्युपाई कर लिया, लेकिन जहां से ये आया वहां क्या बना, वहां एक और होल बन गया। तो एक सिलसिला चल पड़ा है, क्या बनने का, इलेक्ट्रॉन और होल बनने का एक सिलसिला चल पड़ा है। इलेक्ट्रॉन मुसलसल कंटीन्यूअसली मूव कर रहे हैं, होल की जगह पे जा रहे हैं, पर हम जानते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रिक करंट और कंडक्शन शुरू हो गई। तो ये आपने समझना है, याद करना है, पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको इसका तरीका समझा दिया। इस तरह से होल क्रिएट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उनकी जगह को ऑक्युपाई कर रहे हैं। अब इसका जो मैकेनिज्म होगा, कंडक्शन के मैकेनिज्म को मजीद एक डायग्राम से समझते हैं। बेटा लेट्स सपोज हमारे पास चार एटम्स हैं, एटम ए, ए बेटा ये हमारे पास बी है, ये सी है और ये डी है। यहां पे हमने लिखा गया है ये एटम ए बी सी डी, फिर ए बी सी
डी ए बी सी डी ए बी सी डी मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मतलब लेट्स सपोज जो एटम ए है हमारे पास, एटम ए पर एक होल मौजूद है। अगर एटम ए पर एक होल मौजूद है, होल एक्ट करता है एज पॉजिटिव चार्ज, मतलब एटम ए पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव एटम, ये हमारे पास पॉजिटिव एटम है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन सपोज इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कहां जाएगा, ये फॉर ए के होल को ऑक्युपाई करेगा, होल इज द वैलेंसी फॉर द इलेक्ट्रॉन, फॉर से यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचा यहां। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा वहां वैलेंसी पूरी हो गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां से गया, यहां से तो जहां इलेक्ट्रॉन गया इस पर क्या बन जाएगा, इस पर एक होल बन जाएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां क्या बन गया, होल बन गया, यहां पर होल आ गया। अब लेट्स सपोज यहां पर एक और फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जहां होल आया वहां चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन तो यहां से यहां पहुंचेगा, और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वहां का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गई। इलेक्ट्रॉन जहां से पहुंचा वहां क्या बन गया बेटा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन जहां से आया वहां क्या बन गया हमारे पास, एक और होल बन गया। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से गया यहां क्या बन गया हमारे पास, एक होल बन गया, यहां पर एक और होल बन गया। होल का मतलब जानते हैं आप, वैकेंसी फॉर द इलेक्ट्रॉन। अगर ये वैकेंसी बन गई है तो यहां से एक और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा, तो क्या होगा, होल्स बन गए, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते रहेंगे, होल बनते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते रहेंगे, कंडक्शन का अमल जो है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो इस पूरी डिस्कशन से हमने ये कंप्लीट डिस्कस किया किस तरह से क्रिस्टल में होल बन रहे हैं और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। याद रखिएगा कि इस होल की जला लेने के लिए लाजमी नहीं है यहां से इलेक्ट्रॉन आए, ये इलेक्ट्रॉन कहीं से भी क्रिस्टल में आ सकता है। तो हमने आपको समझाने के लिए फर्ज किया कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया। कोई इसमें हमारे पास तरीका का क्या होता, कोई नंबरिंग नहीं होती कि पहले पहुंचा फिर मैं आया, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई सब इलेक्ट्रॉन जरा को घेर सकता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, तो बेटा सपोज हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है जिसमें नेगेटिव का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव का मतलब क्या है, होल मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल मौजूद है। हमने एक बैटरी जोड़ दी, इस एंड पे पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या बना हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, यहां से अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हुए एनर्जी जो उसको बैटरी दी, बैटरी ने दी, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कहां पर जाएगा बेटा, होल पर पहुंचेगा। अब जहां पर जहां इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन पहले यहां से गया और कहां पहुंचा, होल के पास पहुंचा, और जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां क्या बन गया, फिर एक और होल बन गया, फिर एक बार इलेक्ट्रॉन चला गया इस होल की जगह को घेर गया। सवाल आपके ध्यान में आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन यहां से इतना लंबा चक्कर क्यों काट रहा है और यहां से मिले, लेकिन ये बैटरी जो लगाई है ये टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव, बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, जब पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये जो पाथ है ये पाथ मिलेगा इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए और इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेगा। तो हम लोग इस तरह से बैटरी की मदद से इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है, जो रैंडम मोशन है, उसको हमने कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद हम लोग उसको मूव करवा रहे हैं। उम्मीद है सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो कंडक्शन का मैकेनिज्म है, होल्स की जो फॉर्मेशन है, वो आपको समझ आ चुकी होगी। तो बेटा इस टॉपिक को टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।